उत्तरकाशी के टनल में ऑपरेशन जिंदगी जारी। 41 फंसे हुए मजदूरों के रेस्क्यू का आज 11वां दिन। उत्तराखंड हाईकोर्ट में रेस्क्यू को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई। सिलक्यारा सुरंग तक पहुंची राहत बचाव की मशीनें। कल कुछ मशीनें रास्ता कम चौड़ा होने की वजह से नहीं पहुंच पाई। सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंची 6 इंच की एक पाइपलाइन। 4 इंच की पाइपलाइन पहले से ही थी मौजूद। 6 इंच वाली पाइपलाइन के जरिए किया जा रहा मजदूरों से कम्युनिकेशन। सुरंग पर 5 जगह हो रहा ड्रिलिंग का काम। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग वाली एक जगह पर सबसे ज्यादा फोकस। 20 से 21 मीटर के बाद चट्टान आ जाने के चलते हुई परेशानी। करीब 60 मीटर तक होनी है ड्रिलिंग। मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और कई तकनीकी एजेंसियां काम में जुटी है। विदेशी एक्सपर्ट्स की भी ली जा रही है मदद। 3 से 4 विदेशी एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं। मजदूरों को निकालने के कई विकल्प बनाए गए। उत्तरकाशी सुरंग पर अगले कुछ घंटे बेहद अहम। मजदूरों तक पहुंचने की हो रही है पूरी कोशिश। 800 mm डायमीटर वाले पाइप को आगे बढ़ाने पर हो रहा काम। मजदूरों तक पहुंचने के लिए सुरंग पर लाई गई एक और मशीन। मशीन को जल्द से जल्द सुरंग तक पहुंचाने की कोशिशें। उत्तरकाशी में ट्रैफिक को क्लियर करवाते नजर आए पुलिसकर्मी। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए प्रार्थना की है। सैंड आर्ट के जरिए सुरक्षा की कामना। मिशन राजस्थान में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। राजस्थान में पीएम मोदी के कई कार्यक्रम। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा विधानसभा में रैली। भीलवाड़ा में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज राजस्थान के सरदारपुरा विधानसभा में दौरा। बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह राठौड़ के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राजस्थान में करेंगे प्रचार। बाड़मेर, खेरवाड़ा, झाड़ोल में जनसभा को करेंगे संबोधित। पचपदरा और शिवगंज सिरोही विधानसभा क्षेत्र में भी रहेंगे। राहुल गांधी भी राजस्थान में करेंगे प्रचार। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा और भरतपुर जिले के नदबई में जनसभा। 3:30 बजे गंगापुर सिटी में चुनावी सभा। राजस्थान में चरम पर कांग्रेस का चुनाव प्रचार। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का चूरू और जयपुर के शाहपुरा में चुनावी रैली। राजस्थान में बीजेपी के दिग्गजों की चुनावी रैली। अगले 2 दिन राजस्थान के दौरे पर शिवराज सिंह चौहान वैर, देवली और हिंडौली में करेंगे जनसभा। हैदराबाद में प्रचार के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस उम्मीदवार पर साधा निशाना। अजरुद्दीन को बताया पैराशूट कैंडिडेट। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान अकबरुद्दीन ने समय सीमा को लेकर पुलिस अधिकारी से उलझे। पुलिस अधिकारी को धमकाया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को झटका। ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल और यंग इंडियन की 752 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। कांग्रेस बोली चुनाव से ध्यान भटकाने के लिए कार्य। नेशनल हेराल्ड संपत्ति अटैच पर बोले सांसद संजय राउत। कहा बीजेपी का संपत्ति जब्त क्यों नहीं होती है। नेशनल हेराल्ड राजनीतिक मामला। मुंबई के चेंबूर इलाके में दुकानदारों को राज ठाकरे की धमकी। पोस्टर पर लिखा दुकानों पर मराठी बोर्ड लगाने के लिए 4 दिन बचे। भारतीय नौसेना को मिली बड़ी कामयाबी। आईएनएस इंफाल से लेटेस्ट स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल की सफल टेस्टिंग। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से नहीं मिल रही लोगों को राहत। स्मॉग की चादर में लिपटा आसमान। बारापुला इलाके से सामने आई तस्वीरें। तमिलनाडु में अचानक बदला मौसम का मिजाज। एरोड में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। निचले आवासीय इलाकों में जलभराव से मुश्किल। भीषण शीतलहर की चपेट में जम्मू कश्मीर। कश्मीर घाटी में घने कोहरे के चलते घटी विजिबिलिटी। सड़क पर सावधानी जरूरी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में G20 नेताओं का आज होगा वर्चुअल सम्मेलन। पुतिन भी वर्चुअल G20 बैठक में हो सकते हैं शामिल। इजराइल हमास संघर्ष पर हो सकती है चर्चा। आज रांची में मनाया जाएगा झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस। कार्यक्रम का राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन करेंगे उद्घाटन। सीएम हेमंत सोरेन कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी के इटावा में स्वर्गीय मुलायम सिंह की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के स्मारक का भूमि पूजन और शिलान्यास। पंजाब विधानसभा में लाइव कवरेज में विपक्ष की अनदेखी। विरोध में विपक्ष के कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में दायर की याचिका। आज होगी सुनवाई।
बिहार में रेलवे के जमीन के बदले नौकरी का मामला, आज ईडी लालू के एसोसिएट अमित कत्याल को राउत जवे रिपोर्ट में करेगी पेश। 6 दिन की ईडी रिमांड पर थे अमित कत्याल। आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की राउत जवे रिपोर्ट में पेशी, सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में कोर्ट में पेश होंगे। महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण के मामले में राउत जवे रिपोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में कर रही है सुनवाई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सेना ने फहराया तिरंगा, तिरंगा कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज, स्कूली छात्रों की टीमों का मुकाबला। लखनऊ के एमसी सेंटर और कॉलेज स्टेडियम में अग्निवीरों की भर्ती, 16 नवंबर से चल रही भर्ती प्रक्रिया का आज अंतिम दिन। मध्य प्रदेश के मुरैना में शादी समारोह में खाने को लेकर विवाद में चली गोलियां, 3 गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सुबह स्कूल जा रहे बच्चे के ऑटो को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में 8 बच्चे घायल, 2 की हालत गंभीर। यूपी के जालौन में खंभे से टकराई बेकाबू स्कूल वैन, मौके पर मची चीख पुकार, 17 से 18 बच्चे हादसे में हुए घायल। बिहार के जमुई में दबंगों ने युवक को बनाया निशाना, पुरानी रंजिश में मारी गोली, डॉक्टरों ने घायल शख्स को पटना किया रेफर।